गुड मॉर्निंग। आज हम सेकंड ईयर के लिए इंजीनियरिंग मटेरियल एंड प्रोसेस सब्जेक्ट में यूनिट 13 मॉडर्न वेल्डिंग प्रोसेस के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि वेल्डिंग एक दो समान या असमान धातुओं को ताप दाब या दोनों की उपस्थिति में जोड़ने की एक साधारण प्रक्रिया है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इसका बहुत महत्व है और आज मास प्रोडक्शन के लिए और कंटिन्यूस प्रोडक्शन के लिए क्वालिटी ज्वाइनिंग मेथड्स के लिए कुछ मॉडर्न मेथड्स काम में लिए जाते हैं। उन मेथड्स में जो सबसे पहला है रिक्वायरमेंट है वह यह है कि जो आर्क वेल्डिंग में आर्क पैदा होता है वो आर्क स्टेबल होना चाहिए ताकि वेल्डिंग कंटिन्यूसली लगातार और अच्छी हो सके। अगर आर्क स्टेबल हो गया और आर्क को किसी भी माध्यम से वातावरण के ऑक्सीजन के संपर्क में आने से रोका जा सके तो निश्चित रूप से जो ऑक्सीकरण की क्रिया है वो बाधित होगी और जो वेल्डिंग प्राप्त होगी वह उन्नत किस्म की होगी। उसी प्रयास में एक वेल्डिंग का इजाद हुआ जिसका नाम था मिग मिग MIG मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। वही वेल्डिंग प्रक्रिया है, वही आर्क मेटल आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रोड और जॉब के मध्य विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। DC धारा इसमें प्रवाहित करेंगे और उस आर्क के से जो ऊष्मा प्राप्त होगी उससे हम वेल्ड प्राप्त करेंगे। जैसा कि नाम से विदित है मेटल इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग। इस वेल्डिंग प्रक्रिया में आर्क एवं वेल्ड एक निष्क्रिय गैस जैसे ऑर्गन हीलियम कार्बन डाइऑक्साइड में से घिरा रहता है। इसमें एक कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड काम में लिया जाता है जो कि दो रोलर्स के बीच में से होकर कंटिन्यूसली फीड किया जाता है। यह इलेक्ट्रोड तार के रूप में होता है और एक नोजल के माध्यम से नोजल में से होकर गुजारा जाता है। इसी नोजल में से जो कि कॉपर का बना होता है इनर्ट गैस को भी प्रवेश कराया जाता है। इस नोजल में से तीव्र गति से गैस बाहर निकलती है और जो आर्क है ये लाल कलर से दिखाया गया है और ये जो वेल्डिंग पूल है वेल्ड पूल है इसको ये इनर्ट गैस चारों तरफ से घेर लेती है। यहाँ इनर्ट गैस आर्क को और वेल्ड पूल को घेर लेती है। तो इसका क्या फायदा हुआ? इसका फायदा ये हुआ कि ये आर्क और वेल्ड पूल वातावरण में जो ऑक्सीजन और अन्य क्रियाशील गैसें हैं उनके संपर्क में आने से बच जाती है और ऑक्साइड्स और अन्य स्लैग्स का निर्माण नहीं होता। बहुत ही प्रभावकारी है। इसको हमने फिर विस्तार से देखने का प्रयास किया है कि ये गैस का नोजल है, इसमें से गैस प्रवाहित होती रहती है और ये एक वायर निकल रहा है और इस वायर को भी एक अंदर एक डबल वाल नोजल में से निकाला जाता है, ट्यूब में से निकाला जाता है। तो ये जो स्काई ब्लू कलर का दिख रहा है ये गैस शील्ड है और ये पीले कलर का दिख रहा है ये आर्क है और ये वेल्ड मेटल है। ये पुराना पेरेंट मेटल है और ये जो इलेक्ट्रोड इसमें काम में लिया जाता है वह कंज्यूमेबल है अर्थात वह कंटिन्यूसली कंज्यूम होता रहता है और इसमें बाहर से फिलर मटेरियल मिलाने की या उपलब्ध कराने की आवश्यकता नहीं रहती है। ये लाभ अगर हम देखें तो इसमें लगातार वेल्डिंग कंटिन्यूस वेल्डिंग हो सकती है, किसी उच्च स्किल्ड वाले कारीगर की जरूरत नहीं होती है और स्लैग का निर्माण नहीं होता है। हानि के तौर पर देखें तो
क्योंकि महंगा उपकरण है तो ये प्रक्रिया महंगी है, ये नॉन पोर्टेबल है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने के लिए दिक्कत होगी, और खुले में ये वेल्डिंग करना थोड़ा मुश्किल है। और पुनः ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज की चर्चा की गई है। एंड एप्लीकेशन, ऑटोमेटिक ऑटोमोटिव जो गाड़ी वगैरह है उनके रिपेयर में इस वेल्डिंग को काम में लिया जाता है। रेजिस्टेंस कोटिंग की अगर किसी जॉब के ऊपर बिछाने की जरूरत है तो उसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रक्रिया है। वेल्डिंग पाइप्स बनाने में काम में आती है, और किसी भी इक्विपमेंट जो घिस गया है उसको रीबिल्ड करने में काम आती है, और वर्न आउट रेल रोड ट्रैक है अगर वो घिस गए हैं तो उनके ऊपर एक प्रतिरोधी परत चढ़ाने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। स्ट्रॉन्ग जॉइंट बनाती है, अच्छी क्वालिटी के वेल्ड का निर्माण होता है, क्लीन प्रोसेस है, बहुत ही कम मात्रा में फ्यूम्स स्पार्क और स्पेटर स्मोक पैदा होता है, और इस वेल्डिंग के बाद फिनिशिंग करने की आवश्यकता कम से कम पड़ती है। जो वर्क होते हैं वो अपनी पोजीशन में बने रहते हैं। ये आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ला जा सकता। दूसरी जो वेल्डिंग है वह है टिक टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, चित्र में दिखाया गया है। टंगस्टन इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग इलेक्ट्रो टंगस्टन का बना होता है, और इसमें भी आर्क और वेल्ड पूल को वातावरण से सुरक्षित करने के लिए एक इनर्ट गैस का घेरा उपलब्ध कराया जाता है। यह एक हरे कलर का जो नोजल नुमा संरचना है इसमें इनर्ट गैस की सप्लाई होती है, और नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड इसमें एक स्थान पर फिक्स कर दिया जाता है। नॉन कंज्यूमेबल इसलिए है कि इसका घिसाव बहुत कम होता है और बहुत लॉन्ग लाइफ है इस इलेक्ट्रोड। ये दोनों एसी और डीसी सप्लाई पर कार्य कर सकता है, और इसमें बाहर से फिलर रॉड का उपयोग करने की आवश्यकता पड़ती है। इसको विस्तार से दिखाया गया है। टिक वेल्डिंग का रिक्वायरमेंट, तीन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, हीट, शील्डिंग एंड फिलर मटेरियल की। हीट विद्युत आर्क के द्वारा पैदा होता है, शील्डिंग इनर्ट गैस के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, और बाहर से एक फिलर मटेरियल रॉड के रूप में, वायर के रूप में हाथ से उसको डिप किया जाता है। उपयोग, स्टेनलेस स्टील, एल्युमिनियम अलॉय, टाइटेनियम की वेल्डिंग में उपयोगी होता है। एरोस्पेस, न्यूक्लियर पावर प्लांट, केमिकल पावर प्लांट के निर्माण में, फूड प्रोसेसिंग उपकरणों के रिपेयर और निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। एडवांटेज, बहुत से मेटल और अलॉयज के वेल्डिंग में काम आती है, हाई क्वालिटी और प्रिसीजन की वेल्डिंग प्राप्त होती है, पिन पॉइंट कंट्रोल संभव है, और स्पार्क और स्पेटर पैदा नहीं होते, कोई फ्लक्स या स्लैक नहीं होता, और स्मोक या फ्यूम्स नहीं बनते। डिसएडवांटेज ये है कि लोअर फिलर मेटल डिपोजिशन रेट, फिलर मेटल की जो डिपोजिशन रेट है वो कम होती है, और फिलर मटेरियल को वेल्डिंग पूल के साथ में रखने में
आई कोऑर्डिनेशन की अधिक आवश्यकता पड़ती है। ब्राइटर अल्ट्रा वायलेट रेज बनती है जो कि नुकसानदायक हैं, और जो उपकरण है उसकी स्पीड गति कम होती है और इक्विपमेंट की कॉस्ट हाई होती है। सो वी हैव स्टडीड टू इम्पोर्टेंट एडवांस वेल्डिंग प्रोसेस टिक एंड मेक। अगले ये लेक्चर में नए वेल्डिंग प्रोसेस के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।